पे आई एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि आई एक्स ने भी हमें यहाँ पे अच्छा रिटर्न बना के दिया। मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हालांकि जिन लोगों ने उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है पिछले 2-3 सालों में, उसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, मल्टी बैग रिटर्न बना के दिया है। आज हम ऐसे ही एक मोनोपोली बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसमें हमने कुछ दिनों पहले ही बाइंग करी है। अगर आप मेरे डायमंड मेंबरशिप के मेंबर हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिला होगा। उस लेवल से देखते हैं अभी लगभग 4-5% बढ़ चुका है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है हमारे लिए। अपने हाई से देखते हैं, पीक से देखते हैं तो लगभग 25% का, 26% का ह्यूज डिस्काउंट पे हमने माल खरीदा था। अभी भी लगभग 20-21% का डिस्काउंट है। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है यहाँ पे। FII की होल्डिंग अच्छी खासी है 32% की, DII की होल्डिंग मैक्सिमम है 45% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 22%। अगर आप ये DII की होल्डिंग देखोगे जो अभी 45% है, इससे पहले ये हुआ करता था 38% एंड FII 31%। तो FII भी बढ़ के 32.5 हो गया है एंड DII 30% से बढ़ के 45%, यानी 50% प्लस इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज किया अपने अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो। पब्लिक की होल्डिंग जो पहले 31% के आसपास थी, अब वो डिक्रीज होकर हो गई है ओनली 22%। इसका मतलब माल यहाँ पे हल्के हाथों से निकल के DII FII अपने हाथ में ले रहे हैं, यानी माल यहाँ पे मजबूत हाथों में जा रहा है। यहाँ पे जो सबसे मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा, जो शेयर ऊपर से गिरा है 25%, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर हम पब्लिक होल्डिंग में जाते हैं तो यहाँ पे झुनझुनवाला की अच्छी खासी स्टेक थी लगभग 4% की, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके मार्च 2021 में लगभग 4.9 कर लिया, देख रहे हैं आप। इसके बाद लेटेस्ट क्वार्टर में हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी होल्डिंग इनकी नहीं है, यानी यहाँ पे इन्होंने 5% का स्टेक अपना बेचा है। 5% का स्टेक का मतलब है लगभग इन्होंने 500-600 करोड़ का माल बेचा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में इतनी सप्लाई आएगी तो डिमांड ना होने की वजह से प्राइस उसका डाउन जाएगा ही, और जैसे ही नीचे प्राइस गया तो आपने देखा DII ने यहाँ पे अच्छा खासा माल उठाया है। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं 5% जो मिस्टर झुनझुनवाला ने यहाँ पे माल अपना बेचा है, वो DII ने उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे माल उठाया है। मार्केट में सप्लाई आएगी, नीचे फिर डिमांड आएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसका हम सपोर्ट देखेंगे, अच्छा खासा सपोर्ट है लगभग 1500 के आसपास। मैनेजमेंट की सैलरी भी मैं आपको बताऊँगा जो काफ़ी पॉजिटिव मुझे लगती है इस कंपनी के बारे में। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट देखते हैं तो कोई भी डेट वाली दिक्कत नहीं है। 2600 करोड़ का साइज है बैलेंस शीट का, लगभग 1300 करोड़ के रिजर्व्स है, यानी 50% के रिजर्व्स है। कोई भी यहाँ पे बोरिंग की दिक्कत नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है इस कंपनी का। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरी कोशिश रहती है हफ्ते में मैं 2 से 3 वीडियो आपको यूट्यूब पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दूं, क्योंकि काफ़ी लोग जिन्होंने डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया हुआ है उनको भी मेरी बाइंग के बारे में, मेरे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पता चल सके या मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। 70% डिस्काउंट स्विंग ट्रेडिंग पे अभी भी लाइव है। नीचे हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे टीम के नंबर पर। इसका अगर हम यहाँ पे पिछले 10 साल का देखते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि यहाँ पे इसने कुछ खास नहीं दिखाया है, और 5 साल की बात करते हैं तो 6% एवरेज CAGR रिटर्न दिया है। वहीं पे 5 साल प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 15% है एंड 11% है। तो कोई ऐसा शेयर नहीं है जो पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा चल चुका हो, हम बात कर रहे हैं जिसने रीजनेबल रिटर्न या बहुत कम रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों के अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, हालांकि मार्च 2021 में डिक्रीज हुआ है कंपेरिजन टू मार्च 2020, क्योंकि यहाँ पे कोविड की दिक्कत थी, इसलिए भी हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पे इस 2 सालों में अच्छा खासा इजाफा हुआ था, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 236 करोड़ से 225 करोड़। इसके बाद अगर हम क्वार्टरली सेल्स की बात करते हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है लगातार पिछले 4 क्वार्टर से आप देख सकते हैं, और नेट प्रॉफिट की भी बात करें वो भी लगातार यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 59 करोड़ से 40 करोड़। तो नेगेटिव ज़रूर है कंपनी में कि अभी पिछले 1 साल से या 6 महीने से आप कह सकते हैं इसने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना के नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा करेक्शन आया है। मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। 1 ईयर के चार्ट की बात करते हैं तो इसका एक मेजर सपोर्ट है लगभग 1500 अराउंड, और हमने लगभग यहाँ पे 1550 पे माल खरीदा है। अगर ये और नीचे आता है 1500 या 1500 के लेवल को तोड़ता है तो हम इसमें अग्रेसिव बाइंग करेंगे। अगर मैं यहाँ से 5 साल की 3 साल की भी आपसे प्राइस की बात करता हूँ तो एक इसने मल्टी बैग रिटर्न बना के दिया है। 700 रुपये का शेयर था जो पीछे 2100 भी गया था, और अभी लगभग 1600 के लेवल पर है। और यहीं पे अगर हम पी वैल्यूएशन देखते हैं तो एवरेज पी वैल्यूएशन आता है 30 का, और अभी हमारे लिए अवेलेबल है 45, यानी 50% हाई पी वैल्यूएशन है, क्योंकि इसने पिछले 3 सालों में अपना इजाफा किया है प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो। इंडस्ट्री का पी है 27 का, ROE ROCE काफ़ी अट्रैक्टिव है 15 एंड 13 का रिस्पेक्टिवली।
अगर हम यहाँ पे करंट प्राइस देखते हैं तो 1620 रुपये का है, हाई है 2100 रुपये का, यानी अभी भी लगभग 20% डिस्काउंट हमारे लिए अवेलेबल है। स्टॉक का पी वैल्यूएशन 45 है, डिविडेंड काफ़ी अट्रैक्टिव है लगभग 2% का। अब यहाँ पे हम नाम देखते हैं तो कंपनी का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX। अगर हम इसकी कमोडिटी क्रूड और गोल्ड सिल्वर की बात करें तो ट्रेडिंग में लगभग 96% की ह्यूज होल्डिंग है। जी हाँ, 96% की ह्यूज होल्डिंग। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इसके शेयर होल्डिंग वहाँ से एनुअल रिपोर्ट से, आप देख सकते हैं MCX हैज़ कंसिस्टेंटली रिमेंड इंडियाज़ लीडिंग एक्सचेंज इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 96% ऑफ मार्केट शेयर इन फ्यूचर ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग एंड नियरली 100% इन केस ऑफ ऑप्शन ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग। तो एक मोनोपोली बिजनेस में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका 96% मार्केट शेयर है। अगर हम कमोडिटी एक्सचेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे NSE है, BSE है, वहाँ पे NSE BSE का ओबियसली बात है वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ सकता। NSE ने वहाँ पे एक फर्स्ट मूविंग एडवांटेज ले रखा है, वहाँ पे अच्छा खासा उनका मार्केट शेयर है, तो BSE उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा है। सेम मोनोपोली बिजनेस MCX का भी है। अब अपनी मैं होल्डिंग आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने 1560 के लेवल पे हमने होल्डिंग बनाई है, देख सकते हैं आप, इस लेवल से 4-5% चल चुका है। हालांकि यहाँ डाउन आएगा तो हम यहाँ पे और बाइंग करेंगे। मैनेजमेंट की सैलरी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ तो लगभग मैनेजमेंट की सैलरी है 4.5 करोड़। इसके MD एंड CEO है मिस्टर PS रेड्डी, उनकी यहाँ पे सैलरी आप देखोगे तो टोटल है 2.47 करोड़। एंड इसके अलावा अदर डायरेक्टर्स एंड बोर्ड मेंबर्स की हम बात करते हैं तो लगभग ये 2 करोड़ की सैलरी होती है। तो टोटल 4 करोड़ की, 4.5 करोड़ की सैलरी है आउट ऑफ कंपनी जैक्ट, जो इसकी सीलिंग है लगभग 30 करोड़ की। तो 30 करोड़ में से 4.5 करोड़ काफ़ी एक अच्छा खासा हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है शेयर में लॉन्ग टर्म बनने के लिए। और इस लेवल पे हम चाहे तो अपना SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने शेयर खरीदा है, इट डजंट मीन आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। आप अपने एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी शेयर में पोजिशन बनाइए।